हेलो जी, नमस्ते सबको। कैसे हैं आप सब? और आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं 1.5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए पोहा रेसिपी। और मेरी खुद की बेटी 1.5 साल की है, स्पेशली मैं उसके लिए बना रही हूँ। और मैंने सोचा कि साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है वो पैन ले लिया है। पैन में मैंने थोड़ा सा जो है वो देसी घी ऐड करना है। देसी घी में ही मैं बनाती हूँ इसके लिए, तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा लिया है देसी घी। आप अपने अकॉर्डिंग जितना डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, वैसे थोड़ा सा ही इनफ होता है, बहुत होता है। ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसमें से मैं थोड़ा सा और निकाल लूँगी। तो देसी घी में जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, और देसी घी तो बच्चों के लिए वैसे भी अच्छा होता है, हेल्दी होता है, और बच्चों को खिलाना भी चाहिए। तो इसीलिए मैं देसी घी में ही जो भी है वो अपने बेटी को बना के देती हूँ, सारी सब्जियाँ जो भी रेसिपीज़ बना के देती हूँ। और बस, और इसमें थोड़ी सी मैंने जो है राई डाल लेनी है, ये देख सकते हो आप, आधे चम्मच के करीब होगी। ये जीरे की जगह अगर आप काली राई डालते हो तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है पोहे में, और हमारे लिए वो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। और साथ में मैं थोड़ी सी चुटकी भर जो है वो हींग डाल लूँगी। हींग भी बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, गैस नहीं करती और बच्चों में कब्ज भी नहीं होने देती, पेट में जो अगर दर्द है वो भी ठीक रहती है इससे। तो बस राई जो है चटकने तक हम इसको पका लेंगे, इन दोनों चीज़ों को। ज़ीरा मैं नहीं डालती क्योंकि ज़ीरा फिर वो अभी अफरीन के पूरे दांत आए नहीं है तो फिर दाढ़ों में उसके जाता है तो फिर तकलीफ़ होती है उसको, इसलिए मैं ज़ीरा नहीं डालती हूँ। बस हमारी राई जो है वो चटकने लगी है अभी, और इसी के साथ मैं प्याज डाल लूँगी। प्याज मैंने छोटा एक प्याज लिया है, बस उसको ही लंबा लंबा काट कर मैंने जो है तड़के के लिए यूज़ करना है। बस तड़का अच्छे से पक जाए, प्याज गलने तक मैं तब तक के लिए जो है टमाटर काट लूँगी, क्योंकि हमने टमाटर भी यूज़ करना है तड़के में। मैंने सिर्फ आधा ही टमाटर लिया है, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मैंने सिर्फ अफरीन के लिए ही पोहा बनाना है थोड़ा सा। बस यहाँ पर जो है मैं वो टमाटर डाल लूँगी, वो साथ साथ जो है मैं अफरीन को भी संभाल रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ, आपको पता चल ही रहा होगा बीच में। आप खुद ही सोच सकते हो कि हमारे यूट्यूब के लिए कितना मुश्किल होता है एक वीडियो बनाना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो यार, हमारी बहुत मेहनत होती है। मैं साथ में बच्चे को भी संभालती हूँ और वीडियोज़ भी बनाती हूँ सिर्फ आपके लिए, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर दिया करो। और बस यहाँ पर जो है तड़का हमारा पक चुका है, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है हल्दी डाल ली है। हल्दी जो है बच्चों के लिए और हम सब बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप सब जानते ही होंगे कि छोटे बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, कभी यहाँ गिर गए कभी कभी वहाँ गिर गए, तो इनको अंदरूनी चोटें जो है वो आती रहती हैं। मेरी अफरीन तो बस चलते चलते भी गिर जाती है, कभी घुटने के अंदर उसको चोट लगी होती है। तो हल्दी जो है हमारी वो हमें अंदर से हील करती है बच्चों को, तो हल्दी बहुत अच्छी होती है, दवाई की तरह जो है वो काम करती है। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स में मैं ले रही हूँ मटर और गाजर, क्योंकि आजकल इन दोनों सब्जियों का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो वेजिटेबल को पोहा बना कर देती हूँ इसको। तो बस मैंने थोड़े से मटर और थोड़ी सी गाजर डाल दी है बीच में। अगर आपके पास वेजिटेबल्स नहीं है तो आप सिंपल तड़के से भी पोहा जो है वो बना सकते हैं, बच्चे बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं वो। तो मेरे पास पड़ी थी तो मैंने डाल दी है, क्योंकि अफरीन मटर और गाजर भी खा लेती है अच्छे से, उसको बहुत पसंद है। तो जितना हो सके अपने बच्चों को जो है वो सब्जियां ज़रूर खिलाएं,
मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी फ्रेंड हर चीज़ खाए। और बस मटर और गाजर को अच्छे से पकाना है। अभी गाजर जो है हमारी वो कच्ची ना रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। पहले थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी अफरीन जो है वो सॉल्ट खाने लगी है। मैंने उसको खिलाना शुरू कर दिया है सॉल्ट। अगर आपका बच्चा नमक नहीं खा रहा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मेरी अफरीन खा लेती है नमक, तो इसलिए मैंने उसके टेस्ट अकॉर्डिंग जो है वो नमक डाल दिया है थोड़ा सा। बस इसमें अभी मैंने और कुछ भी नहीं डालना, कोई सब्ज़ी और ऐड नहीं करनी है। थोड़ा सा जस्ट पानी ऐड करना है मैंने इसमें, ताकि जो हमारी गाजर है वो कच्ची ना रहे और जो गाजर अच्छी से पक जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, जितने से पानी से जो गाजर है वो पक जाए। बस इसको अभी ढक्कन लगाकर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, और तब तक मैं अफरीन को देख लेती हूँ। साथ साथ में उसको भी संभालना पड़ रहा है, स्पेशली जब मुझे काम करना होता है तब मुझे वो कभी काम करने नहीं देती। वो बस चाहती है कि मैं उसके पास ही बैठी रहूँ। और यहाँ पर जो है हमारा तड़का रेडी हो चुका है, सब्जियाँ भी पक चुकी हैं लगभग, गाजर जो है हमारी गल चुकी है अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। बस हमने वो अब इस स्टेज में जो है पोहा मैंने धोकर रख लिया था, वो मैंने ऐड कर देना है। इसको अच्छे से मिला लेना है सब्जियों में, बस अच्छे से इन सबको मिक्स कर लें, ताकि जो पोहे में जो है वो तड़के का सारा टेस्ट वेजिटेबल का टेस्ट आ जाए। और प्लीज़ अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख ही सकते हैं कि एक वीडियो को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें। बस यहाँ पर जो है पोहा अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर इसको ढक्कन लगा कर पका लूँगी, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। ये देख लीजिए, बस मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पकाया है और ये अच्छे से पक चुका है, अब खाने के लिए रेडी हो चुका है। और मेरी अफरीन को इतना पसंद है पोहा, अगर आप देखना चाहते हो कि ये कैसे खाती है इतने अच्छे से, तो इससे इस वीडियो से पहली वीडियो जो मैंने अपलोड की है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और बस हमारा पोहा जो है वो रेडी हो चुका है। जिन बच्चों के दांत आ चुके हैं, मेरी अफरीन के 1 साल के बाद दांत आए थे, तो मैंने इसलिए इस वीडियो पर 1.5 साल के बच्चों के लिए लिखा है, लेकिन जिस बच्चों के पहले दांत आ चुके हैं वो पहले ही बनाकर इसको खिला सकते हैं बच्चों।